बसमिल स्टूडेंट्स आय अदीला जाज फ्राम स्पीड ग्रुप ऑफ कॉलेज वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड ऐसे करप्शन ऐसे क्या होता है जी और ऐसे किस तरीके से आप इफ़ेक्टिव जो लिख सकते हैं इसके बारे में हम जो डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं जी ऐसे जो है एक पंद्रह नवंबर का क्वेश्चन आएगा जी इंटरमीडिएट पार्ट टू के पेपर में इंग्लिश के पेपर में और ऐसे राइटिंग क्या है जी इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी ऐसे बेसिकली हमारे पास क्या है जी एक ऐसी शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ लिटरेरी कंपोजिशन बेस्ड ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट मैटर एंड ऑफन गिव्स द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द ऑथर इट्स मीन कि जब तो आप एक ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आपने कोशिश करनी है अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करने की अपना व्यू पॉइंट है वो देने की जी आप क्या उस चीज़ को देखते हैं आप उस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपकी क्या राय है जी क्या उसके बेनिफिट्स और क्या उसके जो है वो डीमैरिट्स आपको पता है जी वो आपने अंदर डिटेल के साथ जो करनी है डिस्कस करने होते हैं जी और जैसा कि आपको बता दू जी ऐसे कि राइटिंग के जो मैथड्स हैं आप इसमें थ्री मेजर स्टेप्स को फॉलो करें तो आप बहुत आसानी से एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं जी जिसमें सबसे पहले क्या होगा जी आप प्रेपरेशन करें जी आ, अपना टॉपिक जो डिसाइड करें उससे रिलेटेड मटीरियल सर्च करें आउटलाइन बनाएं उसके बाद ऐसे को लिखना शुरू करें ऐसे में जो है इंट्रोडक्शन दें उसके बाद ऐसे का और उसके बाद फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स दें उस टॉपिक के सब सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो भी आपके जहन में है जी उस मटेरियल को जो है उसके अंदर अरेंज करके मुनासिब तरीके से जो लिखें और एंड पर जो है उसकी रवैन करें और उसमें जो है हर चीज़ को चेक करें जी मटीरियल जो आपका ऑर्गनाइज्ड है या नहीं है ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह स्पेलिंग वगैरह और आपकी फॉर्मेशन सेंटेंस कैसी है जी तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी करप्शन को करप्शन का जो ऐसे है सबसे पहले मैं इसके आपको साथ आउटलाइन डिस्कस करूंगी जी सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे जी इंट्रोडक्शन में हम डिफ़ाइन करेंगे जी बताएंगे डिटेल के साथ करप्शन क्या है जी उसके बाद इसके अफेक्ट्स शो हो रहे हैं जो हमारे मुल्क के ऊपर और दुनिया के ऊपर तो करप्शन के बारे में हम कह सकते हैं कि इट्स मदर ऑफ़ ऑल इवल्स तमाम बुराइयों की जड़ है जी क्योंकि तमाम बुराइयाँ ऐसी से ही शुरू हो जाती हैं और करप्शन पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एक अंडर डिवलपिंग कंट्री है और यहाँ पर जो है वो चूँकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है जी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेसिस फेस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो है वो करप्शन रेट बहुत ज़्यादा है जी uh, करप्शन की जो वजूहत हैं उनको हम थोड़ा सा ब्रीफली देखें तो करप्शन की सबसे बड़ी वजह जो है वो पॉवर्टी है जी हमारा मुल्क चूँकि अभी तरक्की पजीर है तरक्की याफ्ता नहीं है जी अंडर डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट सेक्टर से की तरफ से जो है वो जो सैलरीज वग़ैरह मिलती हैं या जो वेजेस वगैरह मिलते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं जी जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो ना सिर्फ़ अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरा करने से महरूम रह जाते हैं बल्कि उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिसके नतीजे में वो क्या है जी करपशन की तरफ आते हैं जी इसके अलावा हाई इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एक ऐसा इशू है पाकिस्तान का जो कि सॉल्व नहीं अभी तक हो सका हर आए दिन के साथ जो है वो इन्फ्लेशन में यानी कि महंगाई में इजाफे ही हो रहा है और महंगाई में इजाफे की वजह से जो है वो लोग करप्शन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं उसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशन लोगों को प्रॉपर जो है वो तालीम नहीं दी जा रही आगाही नहीं दी जा रही शाउर नहीं दिया जा रहा जी उनके अंदर वो मोरल्टीज नहीं रही अब जो कि उनको उनके अंदर होनी चाहिए थी वो मॉरल एजुकेशन को नहीं दी जा रही कि किस तरीके से जो है वो अपने और अपने मुल्क का जो है नुकसान कर रहे हैं जी इसके अलावा चेक एंड बैलेंस नहीं है जी अदारों के ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से भी डिफरेंट अदारों में करप्शन जो है वो हो रही है जी सबसे अहम और बड़ी वजह यह है जी कि हमारे यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पाई जाती है जी लगजोरियस लाइफ की तरफ अलीट क्लास है जी उसके अलावा मिडिल क्लास और पोअर क्लास है जी और जो अलीट क्लास है वो बेसिकली गुजार रही है जी एक बहुत ज़्यादा लग्जोरियस लाइफ और ये सेलेक्टेड लोग हैं जी और जो मिडिल क्लास है और वो जो पोअर क्लास है जी ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं जी उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ब्लाइंडली और उस क्लास में शामिल होने के लिए जो है वो करप्शन की तरफ आते हैं इसके अलावा एलेवेली एक्सपेंडिचर्स हमारे यहाँ कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशन इस किस्म के बना दिए गए हैं जी जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है जैसे कि शादी व्यापार ज़रूरी अखराज वगैरह करना और दूसरे बहुत से फंक्शंस पर इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है दी की जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो खर्चे जोर से बढ़ जाते हैं और खर्चों को फिर मैनेज करने के लिए कंट्रोल करने के लिए करप्शन का जो है वो सहारा लेना पड़ता है जी उसके बाद अगर हम लोग देखें देखेंगे कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं जी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए तो उसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं जी पावर्टी को डिक्रीज करना हमारी अहम जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने मुल्क से पावर्टी को ख़त्म नहीं करेंगे जी और गरीबों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं करेंगे तो कभी भी हमारे मुल्क से करपशन का जो खात्मा नहीं हो सकता हम करप्शन को ख़त्म नहीं कर सकते उसके अलावा जो है वो एक अहम चीज़ है वो है जी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल में करना जब तक इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं होगी इन्फ्लेशन रेट कम नहीं होगा मुल्क के अंदर जो कभी भी इकनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और लोगों के अंदर से करप्शन को हम खत्म नहीं इस तरह इन्फ्लेशन का जो कंट्रोल होना है वो बहुत ज़रूरी है उसके अलावा लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन तालीम जो है वो मुनासिब नहीं दी जाती लोगों में जो है वो तलीम का फुकदान है जी लोगों को जो है वो मॉरल एजुकेशन नहीं दी जाती उनको उनकी जिम्मेदारियों से आगाह नहीं किया जाता उनके अंदर जो है वो अननेसेसरी डिज़ार्स है उनको ख़त्म नहीं किया जाता जिसके नतीजे में करप्शन जो है वो जन्म लेती है जी उसके अलावा अफेक्टिव एंटी करप्शन कमीशन का क्याम जो है वो जरूरी है हमारे मुल्क में अगर हम एक ऐसा इदारा बना लें जो कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखे तो जिसके नतीजे में क्या होगा जी करप्शन काफ़ी हद तक जो है कम होकर ख़त्म हो सकती है जी कंक्लूजन में आपने इसको प्रॉपर तरीके से जो है कंक्लूड करना है एक लास्ट पैराग्राफ लिखकर इन तमाम बातों को जो है वो वन बाई वन अगेन रिपीट करते हुए जी उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करें करते हैं सबसे पहले करप्शन की डेफिनेशन वो क्या है जी करप्शन इज बेसिकली क्या है जी करप्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी और क्रिमिनल ऑफेंस अंडरटेकन बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा जुरम है या एक डिसनेस्टी का काम है जी जो कोई भी शख्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है जी इंटरेस्टेड विद पोजीशन और अथॉरिटी जिसको अथॉरिटी या पोजीशन वगैरह जो दे दी जाती है टू बेनिफिट्स और अब्यूज पावर फॉर वंस प्राइवेट गेंद या फिर वह क्या कर सकता है जी uh, अपने जाती फायदा हासिल करने के लिए या फिर अपनी ताकत का नजाज़ इस्तेमाल करते हुए अपने ताती फ़वाद के लिए जो है वो करप्शन जो है वो कर सकता है अपने इख्तारत को इस्तेमाल करते हुए ज़ाती फ़ायदा हासिल करना ये सब किस में आता है जी करप्शन की कैटेगरी में आता है जी आ, ये थोड़े से आपको मैं दे देती हूँ जी बता थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी हम कोटेशन को जो आप इस ऐसे के अंदर जो है ऐड कर सकते हैं जी इसमें सबसे पहले है जी दल ऑफ करप्शन रीचेज इन टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड करप्शन करीबन दुनिया के हर कोने तक पहुँच चुकी है एट लाइज एट द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम्स वी फेस डेविड कैमरोन ने यह कहा है जी कि ये उन प्रॉब्लम्स में से एक है जिनको हमें सबसे पहले जो वो हल करना है जी उसके बाद एक और कोटेशन ये देख लें इसको भी आप इस ऐसा में शामिल कर सकते हैं करप्शन इज़ अ डिजीज़ अगर करप्शन किसी सोसाइटी के लिए एक बीमारी है जी ट्रांसपेरेंसी इज़ असेंशल पार्ट ऑफ इट्स ट्रीटमेंट तो फिर हमें इसके लिए जो है शफाफियत को लाना पड़ेगा अपने हर जगह पर हर महकमे में हर इदारे में लोगों को जो है वो शफाफियत से काम करने पर जो है वो मोटिवेट uh, करना होगा और उनको जो है वो ऐसे रूल्स एंड पैटर्न्स बनाने होंगे कि वो शफाफियत से जो है काम करें जी ये स्टेटमेंट है जी ये कोटेशन है जी कोफिया नान साहब की और उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेते हैं जी इंटेग्रिटी ट्रांसपेरेंसी एंड द फाइट आर इंसक्रप्शन हैव टू बी पार्ट ऑफ द कल्चर दे हैव टू बी टॉट एज फंडामेंटल वैल्यूज़ इंटेग्रिटी के बारे में सिखाना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के बारे में सिखाना चाहिए और करप्शन के खिलाफ लड़ाई ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा होनी चाहिए और इनको हमें अपनी बुनियादी वैल्यूज़ के तौर पर जो है वो अपने आने वाली नस्ल को जनरेशन को जो है वो सिखाना चाहिए पढ़ाना चाहिए जी स्टूडेंट्स ये कुछ कोटेशंस हैं और ये होगी जी हमारी क्लाइंट जिसको आप है वो डिटेल से डिस्कस करके एक बहुत ही इफेक्टिव ऐसे जो लिख सकते हैं जी करप्शन के ऊपर थैंक यू